Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 28 of Introduction to Real Analysis. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के इस लेक्चर के कंटेंट में हम सेक्शन 3.3 मोनोटोन सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। इस सेक्शन को हम मोनोटोन सीक्वेंस की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ मोनोटोन सीक्वेंस। लेट x be a sequence of real numbers. We say that x is an increasing sequence if it satisfies the inequalities. x1 is less than equal than x2, x2 is less than equal than x3 and up to so on. अगर कोई सीक्वेंस की टर्म्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें, वो सीक्वेंस क्या होगी स्टूडेंट्स? इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई सीक्वेंस x डिफाइन करें, यहाँ पर मैं इसकी टर्म्स लिख रहा हूँ, वो है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये हमने कोई सीक्वेंस लिखी है। अगर इसकी टर्म्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें, देन ये सीक्वेंस फिर क्या होगी स्टूडेंट्स? इंक्रीजिंग सीक्वेंस। देखिए यहाँ पर 1 क्या है, ये लेस देन इक्वल देन 2 है, 2 इज लेस देन इक्वल देन 3, 3 इज लेस देन इक्वल देन 4 एंड अप टू सम। तो ये सीक्वेंस इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है। सो दिस इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो ये क्या होगी? एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। इसी तरह अगर कोई सीक्वेंस डिक्रीजिंग है तो उस सूरत में स्टूडेंट्स इसकी टर्म्स क्या होंगी कि x1 इज ग्रेटर देन इक्वल देन x2, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल देन x3 एंड अप टू सो। तो फिर स्टूडेंट्स ये क्या होगी? डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है कि अगर कोई इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी तो उसकी टर्म्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी, अगर कोई सीक्वेंस डिक्रीजिंग होगी तो उसकी टर्म्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम लेते हैं सीक्वेंस x इज इक्वल टू 1/n, तो ये स्टूडेंट्स क्या है? एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। देखें यहाँ पर अगर आप इसकी टर्म्स डिफाइन करें तो क्या आती है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम। पहले टर्म 1 आएगी, फिर क्या आएगी? 1/2 आएगी, फिर 1/3 आएगी, फिर स्टूडेंट्स अप टू सो ऑन। तो पहली टर्म स्टूडेंट्स क्या है? ग्रेटर देन है किससे? सेकंड टर्म्स 1/2 से। और 1/2 स्टूडेंट्स ग्रेटर देन इक्वल देन क्या है? 1/3 है। इसी तरह 1/3 ये ग्रेटर देन इक्वल देन होगा स्टूडेंट्स 1/4 से एंड अप टू सो। तो ये स्टूडेंट्स क्या है? एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, बिकॉज ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है सीक्वेंस। तो ये स्टूडेंट्स क्या होगी? डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो अगर कोई सीक्वेंस डिक्रीजिंग होगी या इंक्रीजिंग होगी तो वो स्टूडेंट्स क्या होती है? मोनोटोनिक होती है। यानी वी से दैट एक्स इज मोनोटोन इफ इट इज एदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो मोनोटोन सीक्वेंस क्या होती है स्टूडेंट्स? ऐसी सीक्वेंस जो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, वो क्या होती है? मोनोटोन सीक्वेंस होती है। ये डेफिनेशन है मोनोटोन सीक्वेंस की। यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स 3 डेफिनेशन पढ़ी हैं, पहली इंक्रीजिंग की, फिर डिक्रीजिंग की, फिर मोनोटोन। मोनोटोन क्या स्टूडेंट्स? ऐसी सीक्वेंस जो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, वो क्या होती है? मोनोटोन सीक्वेंस होती है। नीचे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ इंक्रीजिंग की, कुछ डिक्रीजिंग की। तो देखिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स इंक्रीजिंग सीक्वेंस की। देखिए यहाँ पर ये x क्या है स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। जिस तरह मैंने ये आपको एग्जाम्पल दी थी, पहले एग्जाम्पल ये क्या थी स्टूडेंट्स? इंक्रीजिंग सीक्वेंस थी। इस तरह अगर ये कोई सीक्वेंस है x है, इसके टर्म्स हैं 1 2 2 3 3 3, इस तरह स्टूडेंट्स ये टर्म्स भी स्टूडेंट्स क्या करती हैं इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती हैं। ये भी एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इसी तरह ये सीक्वेंस भी इंक्रीजिंग है। तो स्टूडेंट्स इंक्रीजिंग सीक्वेंस की बहुत सारी एग्जाम्पल्स होती हैं, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मेंशन है। तो ये इंक्रीजिंग उस वक्त होगी जब जो ए होगा ये ग्रेटर देन 1 होगा, तो उस सूरत में स्टूडेंट्स ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस ये आपने यहाँ पर मेंशन करना है। अगर a ग्रेटर देन 1 होगा तो उस वक्त में देखें इसकी टर्म्स क्या आएंगी, ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो उस वक्त में ये इंक्रीजिंग होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर नीचे डिफाइन है कुछ डिक्रीजिंग सीक्वेंस। देखिए यहाँ पर पहली सीक्वेंस है स्टूडेंट्स 1/n, यहाँ पर x = 1/n। ये स्टूडेंट्स एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, यहाँ पर इसकी कुछ टर्म्स मेंशन है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हमारे पास आ जाए इस तरह की सीक्वेंस, पहली टर्म 1 हो, फिर सेकंड टर्म 1/2 हो, फिर थर्ड टर्म स्टूडेंट्स 1/2² हो, ठीक है, फिर स्टूडेंट्स अप टू सोन ये कोई एनथ टर्म है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स फिर भी क्या है एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। इसी तरह यहाँ पर एक और सीक्वेंस मेंशन है b², p³ अप टू so on। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है b <1 है, अगर b <1 है तो उस सूरत में स्टूडेंट्स ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगर b <1 होता स्टूडेंट्स फिर ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है। जिस तरह ये एग्जाम्पल स्टूडेंट्स यहाँ पर a है लेकिन यहाँ पर उन्होंने b लिख दिया है और उन्होंने कहा है कि b अगर <1 होगा तो फिर ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। अगर b <1 हो जाए फिर ये स्टूडेंट्स क्या बन जाती है इंक्रीजिंग सीक्वेंस। यहाँ पर ये फर्क होता है, यहाँ पर जो भी टर्म्स मेंशन होती हैं स्टूडेंट्स उनको हम देखकर फिर डिसाइड करते हैं कि ये इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि मोनोटोन सीक्वेंस नहीं है। तो जब भी स्टूडेंट्स मोनोटोन सीक्वेंस का जिक्र आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी या फिर डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। तो ठीक है, मोनोटोन उस रूप में होगी स्टूडेंट जब वो इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग। अगर वो इंक्रीजिंग भी नहीं है या डिक्रीजिंग भी नहीं है स्टूडेंट्स वो फिर मोनोटोन नहीं होगी। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि मोनोटोन सीक्वेंस नहीं है, बिकॉज ये ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है, ये ना ही इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग, तो उस सूरत में स्टूडेंट्स ये फिर मोनोटोन नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये दो एग्जांपल्स हैं जो कि मोनोटोन सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स द फॉलोइंग सीक्वेंस आर नॉट मोनोटोन, यहाँ पर जो नीचे सीक्वेंस बना है यहाँ पर एक ये सीक्वेंस और एक ये सीक्वेंस, ये मोनोटोन नहीं है लेकिन दे आर अल्टीमेटली मोनोटोन। यहाँ पर अल्टीमेटली का वर्ड यूज हुआ है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होता है कि ये कुछ टर्म्स के बाद देखें यहाँ पर अगर हम इन टर्म्स को स्किप करें फिर ये स्टूडेंट्स इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन जाए। तो जब अल्टीमेटली का वर्ड यूज होता है स्टूडेंट्स तो उस सूरत में ये सीक्वेंस वैसे मोनोटोन नहीं होती, लेकिन अगर हम इन टर्म्स को स्किप करते हैं तो उस वक्त में स्टूडेंट्स ये फिर मोनोटोन बन जाती है, फिर ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बन जाती है, ठीक है। अब ये अगर हम इन 3 टर्म्स को स्किप करें तो उसके बाद स्टूडेंट्स ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन रही है, तो अगर ये इंक्रीजिंग बन रही है तो फिर ये मोनोटोन होगी। इस टॉपिक पर स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम अल्टीमेटली मोनोटोन सीक्वेंस के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। यहाँ पर आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जो अल्टीमेटली मोनोटोन सीक्वेंस होती है वो कुछ टर्म्स के बाद इंक्रीजिंग होती हैं या फिर डिक्रीजिंग, तो अगर वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो जाती हैं तो फिर वो स्टूडेंट्स मोनोटोन बन जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर इन टर्म्स को स्किप करते हैं, हाँ इन 2 टर्म्स, तो उसके बाद स्टूडेंट फिर ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन रहे हैं। तो अगर ये डिक्रीजिंग बन रही है तो स्टूडेंट फिर ये मोनोटोन भी हो, बिकॉज मोनोटोन क्या होते हैं स्टूडेंट्स इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग सीक्वेंस। यहाँ पर फिर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इस पर डिटेल से टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये आपको याद होना चाहिए कि ये कुछ टर्म्स के बाद फिर ये मोनोटोन बन जाता है। जब आपको अल्टीमेटली मोनोटोन का वर्ड नज़र आए तो उस सूरत में स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि ये कुछ टर्म्स के बाद मोनोटोन हो जाती है, अदरवाइज़ ये वैसे मोनोटोन नहीं होती। वैसे अगर आप इस टोटल सीक्वेंस को देखें तो ये मोनोटोन नहीं है, बिकॉज ये ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग। लेकिन अगर हम कुछ टर्म्स को स्किप करते हैं तो उस सूरत में ये फिर मोनोटोन बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। यहाँ पर स्टूडेंट्स है मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है। अब इस थ्योरम को स्टडी करते हैं और इसका प्रूफ भी देखते हैं। मोनोटोन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज कन्वर्जेंट, यानी अब हम पढ़ रहे हैं मोनोटोन सीक्वेंस के बारे में। अब आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग हो सकती है, ठीक है। A monotone sequence of real number is convergent if it is bounded. Okay? अगर sequence bounded होगी, यहाँ पर मैं यूज करूंगा मोनोटोन को, ठीक है। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो अगर मोनोटोन सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो स्टूडेंट्स क्या होगी, बाउंडेड भी होगी। यानी कन्वर्जेंट उस सूरत में होगी अगर ये बाउंडेड भी हो, इफ इट इज बाउंडेड। फर्दर यहाँ पर दो आगे पार्ट्स की गिवन है ए और पी। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, लिमिट के बारे में। इफ एक्स इज अ बाउंडेड इंक्रीजिंग सीक्वेंस, यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है बाउंडेड एंड इंक्रीजिंग। तो आपको ये आइडिया होगा कि ये अब मोनोटोन है बिकॉज यहाँ पर इंक्रीजिंग आ रहा है और बाउंडेड भी आ रहा है बिकॉज हम ऊपर कह रहे हैं कि अ मोनोटोन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज कन्वर्जेंट इफ इट इज बाउंडेड। तो यहाँ पर बाउंडेड का भी वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब होगा ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है, कन्वर्जेंट मोनोटोन सीक्वेंस, ठीक है। देन लिमिट ऑफ एक्स एन। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक्स एन क्या है, ये अब मोनोटोन कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। और फिर ये इंक्रीजिंग भी है, बाउंडेड भी है और इंक्रीजिंग भी है, और उस सूरत में स्टूडेंट्स इसकी लिमिट इस सेट के सुप्रीमम के इक्वल होगी। अगर आप इस सेट का सुप्रीमम लेते हैं, यानी तमाम टर्म्स में से अगर आप ग्रेटर वैल्यू फाइंड करते हैं तो वही स्टूडेंट्स इस सीक्वेंस की लिमिट होगी। एक ये हमने प्रूव करना है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर वाई हम लेते हैं सीक्वेंस, ये बाउंडेड भी है और स्टूडेंट्स क्या है, डिक्रीजिंग है, ठीक है, बाउंडेड भी है और डिक्रीजिंग भी है। इसका मतलब ये होगा कि ये मोनोटोन कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो उस सूरत में इसकी लिमिट किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स, इन्फिमम ऑफ दिस सेट। ये आपने याद रखना। अगर हमें कोई सीक्वेंस मिले जो कि बाउंडेड भी हो और डिक्रीजिंग भी हो तो उस सूरत में स्टूडेंट्स इसकी लिमिट इन्फिमम ऑफ वाई एन, यानी जो भी सीक्वेंस है जब आप इसकी टर्म्स की छोटी यानी कोई मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं या इन्फिमम फाइंड करते हैं तो वो स्टूडेंट्स इस सीक्वेंस की क्या होगी, लिमिट होगी, ठीक है। तो अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो बाय थ्योरम 3.22 we state that convergent must be bounded. ऐसी sequence जो convergent हो वो क्या होगी students, bounded भी होगी। ये हमने previous lectures में theorem study किया था 3.22। इस theorem के मुताबिक students जो convergent sequence होती है वो bounded भी होगी, but converse may not be, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं होता। ये हमने थ्योरम स्टडी किया था। सो कन्वर्जेंट सीक्वेंस मस्ट बी बाउंडेड, तो इसके अकॉर्डिंग कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होगी, वो बाउंडेड भी होगी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट भी होगी। लेकिन हम स्टूडेंट्स अब थ्योरम स्टडी कर रहे हैं मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, तो इसमें आप स्टूडेंट्स ये स्टडी कर रहे हैं कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड भी होगी और डिक्रीजिंग होगी या इंक्रीजिंग होगी तो उस सूरत में स्टूडेंट्स वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। ये अब हम इस थ्योरम में ये स्टडी चीज करते हैं। लेकिन जब हमने थ्योरम नंबर 3.22 पढ़ा था तो उसमें हमने स्टूडेंट्स ये सिर्फ देखा था कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो वो बाउंडेड होगी, अदरवाइज वो यानी बाउंडेड नहीं होगी, यानी डाइवर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड नहीं होती। लेकिन हमने फिर ये भी स्टडी किया था कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो कन्वर्जेंट भी होगी। इसकी हमने बहुत सारी एग्जाम्पल भी देखी थी। तो अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ये स्टडी करने लगे हैं कन्वर्जेंस यानी मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम में कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड और इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगी तो वो कन्वर्जेंट भी होगी, यानी उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ये हम इस थ्योरम में अब स्टडी करें, ठीक है। तो कन्वर्सली अब देखें, अब इस थ्योरम के मुताबिक यानी 3.22 के मुताबिक अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड भी होगी। हमने यहाँ पर यही प्रूव करना था कि पहली लाइन में देखें कि a monotone sequence of real number is convergent if it is bounded। हमने यहाँ पर ये चीज़ प्रूव की by using 3.22 इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने ये पहली लाइन यहाँ पर प्रूव की। अब हम इसका कन्वर्सली देखते हैं। जब हम कन्वर्सली स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स फिर हमें दोनों केसेस भी प्रूव करने पड़ेंगे, ठीक है। यानी अब हम कन्वर्सली इन दोनों केसेस को प्रूव करेंगे। कन्वर्सली Let X be bounded monotone sequence, bounded monotone sequence, then X is either increasing or decreasing। तो स्टूडेंट्स अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड मोनोटोन सीक्वेंस है तो वो इंक्रीजिंग होगी या फिर डिक्रीजिंग, ठीक है। ये तो अभी हमें क्लियर पता है। नेक्स्ट देखते हैं, अब केस नंबर ए स्टडी करेंगे। हम केस नंबर ए को प्रूव करेंगे, ठीक है। केस नंबर ए क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कि इफ एक्स इज अ बाउंडेड इंक्रीजिंग सीक्वेंस देन लिमिट ऑफ एक्स एन विच इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ दिस सेट। ये अब हम स्टूडेंट्स प्रूव करने लगते हैं पहला केस, क्योंकि जब हम कन्वर्सली प्रूव करेंगे तो फिर हमें स्टूडेंट्स ये दोनों केसेस भी प्रूव करने पड़ेंगे। अगर हम ये दोनों केसेस प्रूव कर लेते हैं तो ये फिर कन्वर्सली भी प्रूफ हो जाता है। वैसे मैंने डायरेक्ट ये प्रूफ कर दिया है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो वो बाउंडेड भी, लेकिन यहाँ पर इफ का जिक्र है तो स्टूडेंट अब हमें ये दोनों केसेस प्रूफ करने पड़ेंगे, कन्वर्सली भी और डायरेक्टली। डायरेक्टली प्रूफ हो चुके हैं, अब हम कन्वर्सली से प्रूफ करेंगे। केस नंबर ए, इन केस ए एक्स इज बाउंडेड इंक्रीजिंग सीक्वेंस। केस ए में सीक्वेंस किया है, बाउंडेड भी है और इंक्रीजिंग भी है। केस नंबर ए में सिंस एक्स इज बाउंडेड सो देयर एग्जिस्ट एम, इनमें कोई पॉजिटिव एम मिलेगा साइड दैट एक्स एन इज लेस देन इक्वल देन एम फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एम। ये हमने स्टूडेंट्स जब हमने बाउंडेड के बारे में स्टडी किया था उस सूरत में हमने स्टूडेंट्स ये देखा था कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो उस सूरत में हमें कोई ऐसा नंबर m मिलता है, ये पॉजिटिव नंबर होता है, कि इस नंबर से सीक्वेंस की तमाम टर्म्स क्या होती हैं, लेस देन होती हैं। यहाँ पर यही कंडीशन हमने यूज की है कि x n इज लेस देन इक्वल देन m फॉर ऑल n बिलोंग्स टू m। तो अकॉर्डिंग टू कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी वी स्टेट दैट। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर हमें क्या मिला स्टूडेंट्स कि एक्स एन इज लेस देन इक्वल देन एम। एम स्टूडेंट्स कोई अपर बाउंड है, ठीक है, अपर बाउंड है ना ये एम, बिकॉज इससे सीक्वेंस की तमाम टर्म्स लेस देन है, तो ये हमें अपर बाउंड मिला है। तो बाय यूजिंग कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स that has an upper bound also has a supremum in R। तो यहाँ पर ये हमें upper bound मिला है n, तो by using completeness property इसका supremum भी exist करेगा। तो यहाँ पर हमने supremum x स्टेरे लिया है, ठीक है, कि इस सीक्वेंस का एक supremum exist करेगा x स्टेरे, जो कि इक्वल होगा स्टूडेंट्स supremum of this set। इस सेट का स्टूडेंट्स क्या होगा, वो सुप्रीमम। यहाँ पर बाय यूजिंग कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी हम ये कह रहे हैं कि अगर सीक्वेंस का अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब होगा कि इसका सुप्रीमम भी एक्सेस करेगा इन आर में, ठीक है। तो नेक्स्ट वी विल शो दैट कि सुप्रीमम स्टूडेंट्स यानी ये लिमिट के इक्वल है, यानी लिमिट ऑफ एक्स एन ये इसी सुप्रीमम के इक्वल है, यानी एक्स स्टेयर ये किसके इक्वल है, सुप्रीमम ऑफ दिस सेट। तो ये हमारे पास पहला केस प्रूफ हो जाए, ठीक है। अगर हम ये शो कर देते हैं एक्स को सुप्रीमम शो कर देते हैं तो स्टूडेंट फिर ये हमारे पास जो पहला केस है वो प्रूफ हो जाए। इफ एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 इज गिवन देन सुप्रीमम माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ द सेट। देखें यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और हम अगर हम कहते हैं स्टूडेंट्स ये एक्स स्टेयर है सुप्रीमम, ठीक है, ये कोई सेट आप कह लें, तो अगर कोई एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 गिवन हो तो स्टूडेंट्स अगर आप इस एक्स स्टेयर में से एप्सिलॉन को माइनस कर, अब ये स्टूडेंट्स इसी सेट के अंदर लाई कर देगा, अब फिर ये यहाँ पर स्टूडेंट्स लाई नहीं करेगा क्योंकि ये सारे क्या हैं अपर बाउंड हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज क्या हैं अपर बाउंड। तो अपर बाउंड में से सबसे जो छोटी वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होता है, सुप्रीमम होता है। तो अगर सुप्रीमम में से कोई पॉजिटिव नंबर माइनस कर देते हैं, ये कोई पॉजिटिव नंबर है एप्सिलॉन, तो फिर ये स्टूडेंट्स एक्स स्टेयर माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड, तो फिर ये इस सेट का अपर बाउंड नहीं रहेगा। अगर ये अपर बाउंड नहीं रहेगा तो स्टूडेंट्स हैंस देयर एग्जिस्ट एक्स के, तो हमें कोई ऐसा एक्स के मिलेगा जिससे स्टूडेंट्स ये अपर बाउंड यानी सॉरी ये अपर बाउंड नहीं है, तो ये स्टूडेंट्स इस एक्स के से लेस होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम फिर से ड्रॉ कर लें, यानी आप ये कह लें कि ये हमें को मिला है एक्स स्टेयर माइनस एप्सिलॉन, यानी ये कोई एक्स स्टेयर था, उससे में स्टूडेंट्स ये नंबर मिला है, यानी ये एक्स स्टेयर माइनस एप्सिलॉन है। तो यहाँ पर कोई एक्स के एग्जिस्ट करेगा, एक्स के यानी जो एक्स स्टेयर माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एक्स के, और एक्स के इज लेस देन एक्स स्टेयर। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये रिलेशन आ रही है, ठीक है, यानी अगर ये अपर बाउंड नहीं है एक्स स्टेयर माइनस एप्सिलॉन इस सेट का, तो कोई एक्स के एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए स्टूडेंट्स ये कंडीशन होल्ड होगी। द फैक्ट दैट एक्स इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस इंप्लाइज दैट एक्स के इज लेस देन इक्वल देन एक्स एन। देखिए एक्स के कोई टर्म है, ठीक है, अगर हम कहते हैं कि कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग है स्टूडेंट्स तो उस वक्त में एक्स के लेस देन इक्वल देन होगा एक्स एन से, ठीक है। वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन के, तो सो दैट एक्स स्टेयर माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एक्स के, xk is less than equal than xn, ठीक है स्टूडेंट्स, और xn स्टूडेंट्स ये लेस देन है ये x स्टेयर से, और x स्टेयर इज लेस देन x स्टेयर प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। अगर आप इसे कह लें, ये स्टूडेंट्स आप कह लें कि ये कोई xn है, यहाँ पर ये xn यानी ये सीक्वेंस यहाँ पर इसकी n टर्म है कोई, और ये स्टूडेंट ये उसका सुप्रीमम है एक्स स्टेयर, ठीक है, और ये स्टूडेंट्स क्या है एक्स स्टेयर प्लस एप्सिलॉन, यानी जो एक्स स्टेयर है स्टूडेंट्स ये यानी एक्स एन एक्स के इज लेस देन एक्स एन, इसको आप एक्स एन कह लें, इसको यहाँ पर खत्म कर दें, एक्स एन इज लेस देन एक्स स्टेयर और एक्स स्टेयर इज लेस देन एक्स स्टेयर प्लस एप्सिलॉन। यानी जब आप इस सुप्रीमम में कोई पॉजिटिव नंबर ऐड कर देते हैं फिर ये स्टूडेंट्स कोई अपर बाउंड बन जाते हैं। तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि सुप्रीमम क्या होता है कि अपर बाउंड में से सबसे छोटी वैल्यू होती है, तो स्टूडेंट्स अब ये कोई और अपर बाउंड है, तो सुप्रीमम बाकी अपर बाउंड में से सबसे छोटी वैल्यू होती है। तो एक्स स्टेरे स्टूडेंट्स अब लेस देन होगा एक्स स्टेरे प्लस एप्सिलॉन। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि एक्स एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन एक्स स्टेरे माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन इक्वल देन एक्स स्टेरे प्लस एप्सिलॉन। यहाँ से स्टूडेंट्स आप एक्स एन के लिए कह सकते हैं बिकॉज हमने एक्स एन को स्टूडेंट्स कन्वर्जेंट प्रूफ करना है और इसकी लिमिट ये शो करनी है कि ये एक्स स्टेयर है। हम स्टूडेंट्स इस रिलेशन से यानी जो हमारे पास ये रिलेशन आई है यानी एक्स स्टेयर माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन इक्वल देन एक्स के इज लेस देन इक्वल देन एक्स एन इज लेस देन इक्वल देन एक्स स्टेयर इज लेस देन इक्वल देन एक्स स्टेयर प्लस एप्सिलॉन। इस रिलेशन से हम स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं कि एक्स एन ये ग्रेटर देन इक्वल देन होगा एक्स स्टेयर माइनस एप्सिलॉन एंड लेस देन इक्वल देन होगा एक्स स्टेयर प्लस एप्सिलॉन। तो स्टूडेंट्स फिर आप इस एप्सिलॉन को यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं और आप ये भी लिख सकते हैं एक्स एन माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल देन सॉरी अब ये एक्स स्टेयर यहाँ से कैंसिल करें क्योंकि ये लिमिट है ना। यहाँ पर आप लिखेंगे एक्स स्टेयर, ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल देन माइनस एप्सिलॉन एंड लेस देन इक्वल देन एप्सिलॉन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज आप लिखेंगे। तो उस वक्त में स्टूडेंट्स फिर यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें तो ये बन जाता है स्टूडेंट्स फिर एक्स एन माइनस एक्स स्टेयर का एप्सिलॉन इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, इसका मोड लेस देन एप्सिलॉन। लेकिन जब आप इसे ओपन करेंगे तो यही हमारे पास कंडीशन होगी, ये वाली कंडीशन, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स एन माइनस एक्स स्टेयर का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन के। तो इसका मतलब ये होगा कि स्टूडेंट्स ये क्या होती है स्टूडेंट कंडीशन कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और यहाँ पर जो एक्स एरिया ये लिमिट को शो कर रहा है और यहाँ पर जो एक्स एन है ये कोई सीक्वेंस है जो कि कन्वर्जेंट है। सिंस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो इज आर्बिट्रेरी सो वी कंक्लूड दैट कि एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स स्टेयर। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि जो एक्स एन है वो एक कन्वर्जेंस सीक्वेंस है और इसकी लिमिट क्या है एक्स स्टेयर। अगर हम ये चीज़ शो कर देते हैं तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो पहला केस था वो प्रूफ हो जाता। हमने ये शो करना है कि एक्स एन क्या है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और इसकी लिमिट एक्स स्टेयर है और एक्स स्टेयर स्टूडेंट्स सुप्रीमम ऑफ एक्स एन एन बिलोंग्स टू एन के इक्वल। यहाँ पर स्टूडेंट ये केस प्रूफ हो जाता है, पहला केस। इस तरह स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट केस नंबर बी को देखते हैं। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स क्या प्रूफ करना था कि लिमिट ऑफ वाई विच इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ दिस सेट वाई एन एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ मैच वन। यहाँ पर हमने ये तो यहाँ पर ये जो वाई सीक्वेंस है ये बाउंडेड भी है और डिक्रीजिंग है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बाउंडेड भी है और डिक्रीजिंग सीक्वेंस। फिर हमने ये चीज प्रूफ करनी है कि लिमिट ऑफ वाई विच इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ वाई एन एन बिलोंग्स टू एन इफ वाई is bounded decreasing sequence then x is equal to minus y which is equal to minus y n is bounded increasing sequence। देखिए अगर हमें given हो y decreasing तो students minus y क्या होगी, ये फिर increasing बन जाएगी यानी जब आप माइनस से डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें गिवन हो कि 4 इज ग्रेटर देन इक्वल देन 2, जब आप इसे माइनस पर डिवाइड करते हैं तो फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, -4 इज लेस देन इक्वल देन -2। ठीक है, तो पहले स्टूडेंट्स ये डिक्रीजिंग थी, अब स्टूडेंट्स ये क्या बन चुकी है, इंक्रीजिंग बन चुकी है। इंक्रीजिंग हमने क्या देखा था कि 1 इज लेस देन इक्वल देन 2, 2 इज लेस देन इक्वल देन 3, 3 लेस देन इक्वल देन 4। तो ये सीक्वेंस स्टूडेंट्स कौन सी है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो जब आप ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस थी, तो जब आपने इसे माइनस से मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया तो फिर स्टूडेंट्स ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस सॉरी इंक्रीजिंग बन। पहले डिक्रीजिंग थी, जब आपने इसे माइनस से डिवाइड किया तो फिर ये स्टूडेंट्स क्या बन चुकी है, इंक्रीजिंग बन चुकी है। तो हम यहाँ पर यही कह रहे हैं कि इफ वाई इज अ बाउंडेड डिक्रीजिंग सीक्वेंस देन एक्स इज इक्वल टू -y। यानी हम -y को स्टूडेंट्स अब नाम दे रहे हैं एक्स का। इज अ बाउंडेड इंक्रीजिंग सीक्वेंस बट एंड बाय पार्ट ए वी सी दैट लिमिट ऑफ एक्स which is equal to supreme of this sequence। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। हमने पार्ट ए में यही देखा है कि लिमिट ऑफ इंक्रीजिंग सीक्वेंस वो क्या होती है, सुप्रीम ऑफ दिस, यानी हमारे पास जो सेट नो लिमिट ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू माइनस लिमिट ऑफ वाई एंड ऑल्सो सुप्रीम ऑफ यानी माइनस वाई एन। ठीक है, एन बिलोंग्स टू एन विच इज इक्वल टू माइनस इनफिनिमम ऑफ वाई एन। ठीक है, यानी स्टूडेंट्स अब इस सेट का सुप्रीमम इस सेट के माइनस इनफिनिमम के इक्वल है। और हमने यहाँ पर ये देखा कि लिमिट ऑफ देखें एक्स इज इक्वल टू -y है, तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये लिखेंगे लिमिट of x which is equal to minus limit of y। ये चीज आप लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने ये भी स्टूडेंट्स ये प्रीवियस यानी लेक्चर्स में ये चीज स्टडी कर चुकी कि अगर इस सेट का अगर आप सुप्रीमम फाइंड करते हैं तो वो इस सेट की माइनस इनफिनिमम के इक्वल होगा। तो उस सूरत में स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं यानी लिमिट ऑफ वाई विच इज इक्वल टू माइनस लिमिट ऑफ एक्स। देखें यहाँ से ये माइनस को आप यहाँ पर भी लेके आ सकते हैं, तो लिख सकते हैं माइनस लिमिट ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट ऑफ वाई। ठीक है, अब देखें लिमिट ऑफ एक्स इस सेट के सुप्रीमम के इक्वल है, लेकिन लिमिट ऑफ वाई माइनस इनफिनिमम के इक्वल है, इस सेट के माइनस इनफिनिमम के। तो जब आप यहाँ पर ये y की वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट ऑफ y की वैल्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट ऑफ x विच इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लिमिट पुट करते हैं यहाँ पर y की, तो ये स्टूडेंट्स x की लिमिट है और ये y की लिमिट है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस इनफिनिमम ऑफ y n, n बिलोंग्स टू n। तो फिर ये माइनस से माइनस कैंसिल, लेकिन लिमिट ऑफ एक्स ये किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, यानी लिमिट ऑफ वाई। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे सिंपल लिमिट ऑफ वाई विच इज इक्वल टू इनफिनिमम ऑफ दिस सेट एंड बिलोंग्स टू एन। ये चीज आप लिख, तो ये स्टूडेंट हमने प्रूव करना था कि लिमिट ऑफ वाई विच इज इक्वल टू इनफिनिमम ऑफ दिस सेट। ठीक है, यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है। तो अगर आप स्टूडेंट्स यहाँ पर ये भी कह सकती हैं कि लिमिट ऑफ वाई विच इज इक्वल टू माइनस लिमिट ऑफ एक्स। ठीक है, और ये स्टूडेंट्स एक्स की यानी जो एक्स की लिमिट स्टूडेंट्स क्या है, सुप्रीमम ऑफ दिस सेट है, लेकिन सुप्रीमम ऑफ दिस सेट किसके इक्वल है, माइनस इनफिनिमम ऑफ दिस। तो फिर भी स्टूडेंट्स ये यही चीज आती है। देखिए अगर आप इससे लिखते हैं कि लिमिट ऑफ वाई विच इज इक्वल टू माइनस लिमिट ऑफ एक्स, यहाँ पर हमने ये कहा है कि सुप्रीमम ऑफ दिस सेट इज इक्वल टू माइनस इनफीमम ऑफ दिस सेट, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर एक्स की लिमिट पुट करेंगे वो सुप्रीमम आएगी, लेकिन सुप्रीमम इसके वैल्यू के इक्वल है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस इन टू माइनस इनफीमम ऑफ दिस सेट एंड बिलोंग्स टू एन, ये भी हम लिख सकते हैं। तो जब आप इस माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये सिंपल वही वैल्यू आ जाएगी कि माइनस इनफीमम ऑफ दिस सेट। इस केस को हम स्टूडेंट्स यहाँ पर इस तरह प्रूव करेंगे, तो लिमिट ऑफ वाई विच इज इक्वल टू इनफीमम ऑफ दिस, ये सेकंड केस था। तो स्टूडेंट ये हम केसेस बाद में जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें ये हम यूज करेंगे, तो आप नहीं याद रखेंगे। तो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल अब डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर पहली एग्जाम्पल है लिमिट ऑफ 1/n² विच इज इक्वल टू 0, यहाँ पर हमने ये शो कर दिया। तो इस लिमिट को स्टूडेंट्स हम 3.210 थ्योरम के जरिए भी शो कर सकते हैं। तो 3.210 थ्योरम क्या है स्टूडेंट्स, इफ x विच इज इक्वल टू xn वेयर xn इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 दी कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो अगर ये xn कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो ऑफ रियल नंबर्स दैट कन्वर्जेस टू x, ठीक है, यानी xn क्या स्टूडेंट्स, ये कन्वर्जेस करती है स्टूडेंट्स x को, कन्वर्ज करती है x को। बाय यूजिंग दिस थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि xn² ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी x²। ये थ्योरम था स्टूडेंट 3.210। तो इसके अकॉर्डिंग हम इस लिमिट को प्रूव कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है स्टूडेंट्स के 1/n ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है 0। तो बाय यूजिंग 3.210 थ्योरम, तो ये सीक्वेंस स्टूडेंट्स 1/n² ये कन्वर्ज करेगी 0√, तो 0√, सिंपली 0। इस तरह स्टूडेंट्स आप ये लिमिट प्रूव कर सकते हैं, यानी बाय अबव थ्योरम एज 1/n ये सीक्वेंस कन्वर्ज करती है 0 को, सो 1/n² ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी 0 को, एंड लिमिट ऑफ n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/n², इसकी लिमिट क्या होगी 0। ये दो स्टूडेंट्स हम इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको प्रूव कर सकते हैं। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पर इसे मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग भी प्रूव कर सकते हैं। वो कैसे प्रूव करेंगे, देखें यहाँ पर 0 इज द लोअर बाउंड ऑफ द सेट। अगर आप इस सेट को यानी ऑब्जर्व करें 1/n² वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो इस सेट का स्टूडेंट जो 0 है वो क्या है, लोअर बाउंड्स। अगर आप इस सेट के लोअर बाउंड्स निकालेंगे तो 0 भी इस सेट का लोअर बाउंड आएगा। स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी जानते हैं कि इस सेट का सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनफीमम एग्जिस्ट करेगा, वही 0 है। ये हम स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं कि 1/n ये सीक्वेंस क्या है कि इस सीक्वेंस का सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इनफीमम एग्जिस्ट करता है, वो 0 है, और 0 ही स्टूडेंट्स इस सेट या इस सीक्वेंस की लिमिट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 0 क्या है स्टूडेंट, इज द लोअर बाउंड ऑफ द सेट, आल्सो 0 इज द इनफीमम ऑफ द सेट, एंड हेंस बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम लिमिट ऑफ 1/n² विच इज इक्वल टू 0। देखिए ये सीक्वेंस कौन सी है, बाउंडेड भी है और डिक्रीजिंग भी है। तो अगर बाउंडेड भी है और डिक्रीजिंग भी है तो इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी स्टूडेंट्स, हमने अभी प्रीवियस केस करके आ चुके हैं डिस्कस, उसमें हमने देखा था कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड और डिक्रीजिंग हो तो उस सूरत में उस सीक्वेंस की लिमिट यानी बाई एन की लिमिट किसकी इक्वल होगी? इन्फिमम ऑफ दिस सेट एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो आप स्टूडेंट्स ये यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस है 1/n², ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और बाउंडेड और डिक्रीजिंग है। तो इसका लिमिट क्या होगी? इन्फिमम ऑफ दिस सेट। इस सेट का इन्फिमम क्या है स्टूडेंट्स? 0 है, यानी 0 इज द लोअर बाउंड और यही इसका इन्फिमम है, तो यही इसकी लिमिट हो। तो बाय यूजिंग मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी स्टूडेंट्स? वो 0। ऑन द अदर हैंड वी नो दैट, ये तो हम यहाँ पर इसको इस थ्योरम से भी स्टूडेंट प्रूव कर सकते हैं। एक और थ्योरम है 3.23, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग भी इस सीक्वेंस को प्रूव कर सकते हैं कि इसकी लिमिट क्या है? 0 है। देखिए, ऑन द अदर हैंड वी नो दैट एक्स इज बाउंडेड एंड डिक्रीजिंग एंड इट कन्वर्जेस टू एक्स। ठीक है, अगर ये बाउंडेड भी है डिक्रीजिंग भी है तो ये कन्वर्ज करेगी एक्स को। सिंस एक्स कन्वर्जेस टू स्मॉल एक्स, तो बाय थ्योरम इस थ्योरम के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स एक्स डॉट एक्स, हमने स्टूडेंट ये थ्योरम स्टडी किया था कि अगर एक्स भी कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो, वाई भी कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो, तो अगर आप इनको इन सीक्वेंस को ऐड भी करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें तो फिर वो भी स्टूडेंट्स क्या होंगी? कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर हम एक्स डॉट एक्स को फाइंड करते हैं तो फिर जो स्टूडेंट्स कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, हम लिखेंगे एक्स एन डॉट एक्स एन, और ये स्टूडेंट सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स डॉट एक्स एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम वही चीज यूज कर रहे हैं कि एक्स, क्योंकि स्टूडेंट्स 1/n² है, तो जब आप एक्स डॉट एक्स करेंगे ये सिंपल आ जाएगा 1/n, तो ये कन्वर्ज करेगा एक्स स्क्वायर को। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, बिकॉज ऑलरेडी हम जानते हैं कि 1/n की लिमिट क्या है स्टूडेंट? 0 है। तो एक्स स्क्वायर ये 0 के इक्वल होगा, तो यहाँ से आप सिंपली एक्स निकाल सकते हैं, वो 0 आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या है? 0 है, तो यहाँ से अगर आप एक्स निकालते हैं तो वो भी 0 आएगा। तो देखें फिर भी स्टूडेंट्स इस सीक्वेंस की लिमिट क्या आती है? 0। तो हम ये डिफरेंट मेथड से इस यानी क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या है? 0। सो नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3.34। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स से ये शो करना है कि अगर हमें सीक्वेंस y इंडक्टिवली डिफाइन है, यानी इसकी पहली टर्म है और बाकी nth टर्म के लिए फार्मूला डिफाइन है। ठीक है, ये होता है स्टूडेंट्स इंडक्टिवली मेथड, होता है सीक्वेंस को डिफाइन करने का। आप उस सीक्वेंस की पहली टर्म डिफाइन कर लेते हैं या 2-3 टर्म डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद बाकी टर्म्स के लिए जनरल फार्मूला आप डिफाइन कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट मेथड कौन सा होता है? इंडक्टिवली मेथड। तो यहाँ पर हमें वाई एन सीक्वेंस यानी वाई सीक्वेंस डिफाइन है, इसकी पहली टर्म क्या है? 1 है और बाकी टर्म्स के लिए जनरल फार्मूला। हमने ये शो करना है कि इस सीक्वेंस की लिमिट 3/2 है। ठीक है, देखें तो यहाँ पर अगर आप इसकी सेकेंड टर्म निकालते हैं तो यहाँ पर हम स्टूडेंट सेकेंड टर्म निकालने के लिए n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। देखें जब हम 1 पुट करेंगे n की वैल्यू, तो इसकी सेकेंड टर्म आएगी y2 विच इज इक्वल टू 1/4 इनटू 2y1 प्लस 3। अब y1 क्या स्टूडेंट? वो 1 के इक्वल है, यहाँ से हमें इसकी सेकंड टर्म मिल जाएगी 2 into 1 प्लस 3, तो 2 + 3 5, तो ये मिल जाएगी हमें स्टूडेंट्स 5/, ये हमें इसकी सेकंड टर्म मिल रही। ये हमें इसकी फर्स्ट टर्म मिल रही है, यहाँ पे लिख लेते हैं y1 विच इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट टर्म है और ये कोई सेकेंड टर्म वाई टू विच इज इक्वल टू 5/। Since y1 which is equal to y1 which is equal to 1 and y2 which is equal to 5 by 2 is key second term. Hence we have y1 is less than y2, y2 is less than 2. देखें अगर आप इस सीक्वेंस की कोई भी टर्म फाइंड करेंगे तो वो हमेशा लेस देन 2 आएगी, या फाइंड करके देख सकते हैं। अभी से हम प्रूव भी करेंगे बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। यानी अब इस एग्जांपल को स्टूडेंट्स हम किस तरह सॉल्व कर रहे हैं, पहले हमने इसकी फर्स्ट टर्म देखी, फिर इसकी हमने सेकेंड टर्म देखी और हम ये शो कर रहे हैं कि ये एक बाउंडेड है। यानी हम बाउंडेड सीक्वेंस प्रूव करने के लिए अब हम स्टूडेंट्स ये शो कर रहे हैं कि y1 इज लेस देन y2, y2 इज लेस देन 2। अगर ये स्टूडेंट्स किसी दो टर्म के लिए अगर ये रिजल्ट ट्रू है तो अब हम ये शो करेंगे बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन कि ये n टर्म्स के लिए भी रिजल्ट ट्रू है। अगर हम ये प्रूव कर लेते हैं कि yn इज लेस देन 2 तो फिर ये स्टूडेंट क्या बन जाएगी, बाउंडेड सीक्वेंस बन जाएगी। तो यहाँ पर 2 क्या होगा, ये अपर बाउंड होगा, इसका सीक्वेंस का क्या होगा, अपर बाउंड होगा। यानी इस सीक्वेंस की तमाम टर्म इस 2 से लेस होंगी तो ये हमें क्या मिलेगा, m मिलेगा। तो पहले स्टूडेंट हमने क्योंकि हमने स्टूडेंट यहाँ पर हमें सिर्फ सीक्वेंस गिवन है, हमें ये नहीं बताया गया कि ये मोनोटोन है या नहीं है। तो हम स्टूडेंट्स मोनोटोन प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट्स हम इसे पहले प्रूफ करेंगे कि ये बाउंडेड भी है, फिर हम देखेंगे कि या क्या ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, फिर हम इस पर मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे और इसकी फिर लिमिट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले हम स्टूडेंट से बाउंडेड प्रूफ कर रहे हैं। तो बाउंडेड प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ पर ये देखा कि y1 इज लेस देन y2 एंड y2 इज लेस देन 2। नेक्स्ट है वी शैल शो दैट yn इज लेस देन 2 for all n belongs to n by mathematical induction। तो हम यहाँ पर यही रिजल्ट यूज करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन ये प्रूव करने के लिए कि ये बाउंडेड सीक्वेंस यानी इसकी तमाम टर्म्स इस 2 से लेस आती हैं। यहाँ पर हम स्टूडेंट्स ये वर्क कर रहे हैं। तो देखें, एज दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 2। देखें ये पहले दो टर्म्स के लिए ट्रू रिजल्ट है कि y1 is less than y2। देखें यहाँ पर y1 हमें क्या मिला था, 1 मिला था। 1 is less than 5 by 4 और 5 by 4 is less than 2। ये स्टूडेंट रिजल्ट क्या है, ट्रू रिजल्ट है। तो ये दो टर्म्स के लिए रिजल्ट ट्रू था। अब हम इसको मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिए प्रूव कर रहे हैं तो इसे हम सपोज करेंगे कि ये किसी k वैल्यूज के लिए भी ट्रू है, ये सम k के लिए भी ट्रू है। यानी yk इज लेस देन 2 फॉर सम k बिलोंग्स टू n। देन अब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर हम ये रिजल्ट प्रूव कर लेते हैं कि ये किसी k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, इसका मतलब ये होगा कि ये रिजल्ट स्टूडेंट्स तमाम n के लिए भी ट्रू होगा। जब स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर्स में मैथमेटिकल इंडक्शन इसको प्रॉपर पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं कि इसे n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करते हैं, फिर n इज इक्वल टू k के लिए प्रूव करते हैं। तो फिर स्टूडेंट्स अगर ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू आ जाता है इसका मतलब ये होता है कि ये तमाम n के लिए भी ट्रू होगा। तो हम पहले स्टूडेंट्स देख चुके हैं कि n इज इक्वल टू 1 के लिए भी और n इज इक्वल टू 2 के लिए ये ट्रू रिजल्ट है। अब हम ये सपोज कर रहे हैं कि ये किसी k यानी k के लिए भी ट्रू है, यानी yk इज लेस देन 2। अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है या नहीं है। अगर ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू आ जाता है तो उस रूप में स्टूडेंट्स ये तमाम n के लिए भी ट्रू होता है। देखें तो y k प्लस 1 यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स n प्लस 1 टर्म्स गिवन है, 1/4 इंटू 2yn प्लस 3। यहाँ पर हम लिख सकते हैं y k प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2yk प्लस 3। और यहाँ पर हमें गिवन है कि yk इज लेस देन 2। तो हम अब इक्वल का साइन स्टूडेंट्स खत्म करके हम क्या लगाएंगे, लेस का निशान लगाएंगे, बिकॉज यहाँ पर जो yk है वो लेस देन 2 है। यहाँ पर हमने 2 वैल्यू पुट कर दी तो ये बन गया 4 प्लस 3 7, 7/4। अब यहां से हमें स्टूडेंट्स क्या वैल्यू मिली कि yk+1 which is 1/4 into 2yk+3 which is less than 7/4 और 7/4 less than क्या होता है 2 होता है, यानी 7/4 is less than 2। ठीक है, ये वैल्यू तो इसका मतलब ये होगा कि yk+1 ये भी लेस देन 2। तो बाय यूजिंग स्टूडेंट्स मैथमेटिकल इंडक्शन हम ये कह सकते हैं कि ये तमाम n के लिए भी रिजल्ट क्या होगा होल्ड करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि यहां तक हमने इसको बाउंडेड प्रूफ कर लिया, यानी यहाँ पर इसे हमने क्या प्रूफ कर लिया कि ये बाउंडेड है। आगे हम स्टूडेंट देखेंगे कि क्या ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। यहाँ तक एक हमारा काम हो चुका है, क्योंकि हमने स्टूडेंट्स मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिए प्रूफ किया कि ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है, यानी वाई एन इज लेस देन 2 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो नेक्स्ट देखते हैं, वी नो शो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दैट दिस इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब ये स्टूडेंट सीक्वेंस कौन सी है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या चीज होल्ड करेगी, y1 इज लेस देन y2, y2 इज लेस देन y3 अप टू 7। ये स्टूडेंट सीक्वेंस कौन सी होती है, इंक्रीजिंग। तो ये हमें कैसे पता चला है कि ये इंक्रीजिंग है, हमने स्टूडेंट्स प्रीवियस देखा था कि y1 इज लेस देन y2 एंड y2 इज लेस देन 2। तो यहाँ से हमें स्टूडेंट्स ये पता चला है कि ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, यहाँ से हमें ये पता चला है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसे इंक्रीजिंग प्रूफ करेंगे बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। देखें, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए स्टूडेंट्स ये रिजल्ट ट्रू है, yn is less than yn+1। अगर आपने n is equal to 1 पुट किया स्टूडेंट्स, तो उसके लिए हमारे पास क्या आ गया, y1 is less than y। ये रिजल्ट क्या हो रहा है, होल्ड हो रहा है। ठीक है, n is equal to 1 के लिए स्टूडेंट्स ये रिजल्ट ट्रू है। नो सपोज दैट yk-yk+1 इज ट्रू फॉर सम k बिलोंग्स टू। अब हम ये प्रूफ एक्सपोज करें कि ये रिजल्ट किसी k के लिए भी ट्रू। देन 2yk+3 इज लेस देन 2yk+1+3। देखें स्टूडेंट्स, ये चीज हमने कैसे लिखी है, 2yk+3, यानी अगर रिजल्ट ये रिजल्ट के yk इज लेस देन yk+1 अगर ये ट्रू है, देन स्टूडेंट्स ये फिर भी ट्रू होगा कि अगर हम 2yk+3 कर दें तो ये फिर भी स्टूडेंट्स रिजल्ट क्या होगा, ये ट्रू होगा। ये हम स्टूडेंट यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, अगर ये रिजल्ट ट्रू है कि yk इज लेस देन yk+1, देन 2yk+3 इज लेस देन 2yk+1+3। Hence, it follows that yk+1, ये हमें जनरल फॉर्मूला की 1/4 into 2yk+3। अब देखिए हमने यहाँ पर ये शो किया कि ये वैल्यू लेस देन किससे है, 2yk+1+3 से। यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब स्टूडेंट्स ये कौन सा फार्मूला बन चुका है, ये फार्मूला बन चुका है yk+2 का। ठीक है, देखो अगर हमें yn+1 गिवन है, ये है 1/4 2yn+3। तो अगर आप लिखते हैं स्टूडेंट्स n+2 लिखते हैं, उस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा 1/4 इंटू 2 बाई n+1+3 बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाए तो हमने यही लिखा है। तो ये जो 1/4 इंटू 2 YK+1+3 ये YK+2 की यहाँ पर ले सकते हैं कि YK+1 is less than YK+2। देखिए हमारे पास ये इंक्रीजिंग आ रही है ना, तो अगर स्टूडेंट्स ये रिजल्ट ट्रू है तो ये इंप्लाइज करता है कि ये रिजल्ट भी ट्रू आ रहा है। देखें स्टूडेंट्स, अगर हम ये कह रहे हैं कि n=1 के लिए ये रिजल्ट ट्रू है और ये k के लिए भी ट्रू है, तो अगर ये k+1 के लिए भी ट्रू आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो रिजल्ट है yn is less than yn+1 ये तमाम n के लिए भी ट्रू। इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट्स ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। देखिए अगर आप n की वैल्यूज डिफरेंट पुट करते जाए हमारे पास ये टर्म्स आ रही है y1 is less than y2, y2 is less than y3 up to 7। ये स्टूडेंट्स क्या होती है इंक्रीजिंग सीक्वेंस। यहाँ पर हमने ये प्रूफ किया कि ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी है और बाउंडेड अबव बाय 2 भी है। ठीक है, बाउंडेड भी है, इंक्रीजिंग भी है, तो इसका मतलब होगा ये एक मोनोटोन सीक्वेंस होगी और इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो इस सीक्वेंस के यानी इस सेट के सुप्रीमम के इक्वल होगी। ठीक है, इस सेट के सुप्रीमम के इक्वल होगी। लेकिन कह रहा है स्टूडेंट यहाँ पर इस सेट का सुप्रीमम कैलकुलेट करना इजी नहीं है, तो यहाँ पर हम एक और स्टूडेंट्स यहाँ पर मेथड डिफाइन करेंगे जिससे हम इसकी लिमिट कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, जो स्टूडेंट्स सीक्वेंस होगी इसकी जो लिमिट होगी सीक्वेंस की, नेक्स्ट हम देखते हैं। जो हमारे पास सीक्वेंस थी स्टूडेंट्स y इसको कह लें, इस सीक्वेंस की जो भी लिमिट होगी वो इस रिलेशन को लाजमी तौर पर सेटिस्फाई करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रिलेशन कहाँ से आया स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन भी गिवन था। देखिए y n+1, इसको मैं सिंपल कह रहा हूँ y is equal to 1/4 into 2 y+3। तो जो भी इस सीक्वेंस की लिमिट आएगी वो इस रिलेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। यहाँ से हम ये स्मॉल y फाइंड कर सकते हैं बिकॉज इस y की स्मॉल y ही लिमिट होगी। लेकिन स्मॉल y हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर आप ये 4 है तो 4 को आप इस साइड पर मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 4y which is equal to 2y+3। तो आप इन दोनों टर्म्स को इस साइड पर लेके जाएं, ये आ जाएगा 4y - 2y - 3 विच इज इक्वल टू 0। तो 4y - 2y तो सिंपल आ जाएगा 2y - 3 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप 2y को लिख सकते हैं, 3k को लिख सकते हैं, यहाँ से आप y ले सकते हैं, वो आता है 3/2। इस सीक्वेंस की हमने यही लिमिट प्रूव करनी थी कि वो क्या आनी है 3/2। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स इस तरह इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें बिकॉज यहाँ पर हमें ये नहीं बताया गया था कि ये एक बाउंडेड भी है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो ये स्टूडेंट हमने खुद फाइंड करना है कि ये एक बाउंडेड भी है और इंक्रीजिंग भी है। तो ये एक मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसकी लिमिट हमने फाइंड की, वो 3/2 ही आती है। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, इसकी भी एग्जाम्पल देखते हैं। लेट z बी आर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाय, यहाँ पर इसकी हमें पहली टर्म गिवन है और बाकी टर्म्स के लिए जनरल फॉर्मूला। अब हमने ये शो करना है कि इसकी लिमिट क्या आती है, 2 आती है। ठीक है, कि इस सीक्वेंस zn की लिमिट क्या है 2 है, ये हमने यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमें सिर्फ इसकी पहली टर्म गिवन है और बाकी n टर्म्स के लिए ये जनरल फार्मूला गिवन है। तो नोट दैट z1 विच इज इक्वल टू 1 यहाँ पर गिवन है। अगर हम z2 फाइंड करें, इसकी सेकंड टर्म फाइंड करें, देखें यहाँ पर क्या आती है, ये 2 स्क्वायर रूट आती है। यहाँ पर हम z1 की वैल्यू पुट करेंगे, वो आएगी 1। तो 2 into 1 ये 2, ये सिंपल क्या जाएगा 2 स्क्वायर। ये सीक्वेंस की सेकंड टर्म है। ठीक है स्टूडेंट, ये फर्स्ट टर्म आ गया, ये सेकेंड टर्म आ गया। तो हेंस z1 इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1 एंड लेस देन z2 एंड z2 इज लेस देन 2। देखें यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1 लेस देन z2 क्या है 2 स्क्वायर रूट है, 1 हमेशा 2 स्क्वायर रूट से लेस होगा और 2 स्क्वायर रूट लेस होगा 2 से। ये चीज हम इसको हम लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 इज लेस देन इक्वल देन z1 इज लेस देन z2 इज लेस देन 2। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने यहाँ पर ये चीज we claim that the sequence z is increasing and bounded above back। हम यहाँ पर ये claim कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये आ रही हैं terms कि z1 is less than z2, z2 क्या होगा less than z3 होगा। तो ये कोई students increasing sequence है और हम ये prove कर रहे हैं कि ये एक bounded और increasing sequence। यहाँ पर हम क्या claim कर रहे हैं कि ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग भी है और बाउंडेड अबव बाय 2 है। ठीक है, ये इसका अपर बाउंड है m। अब इसे इंप्रूव करेंगे, वही फार्मूला मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग हम स्टूडेंट्स इसे प्रूव करने लगे हैं। ठीक है, देखिए ये रिजल्ट स्टूडेंट्स n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, ये रिजल्ट ट्रू है n इज इक्वल टू 1 के लिए। हमने यहाँ पर देखा वन इज लेस देन इक्वल देन z1 इज लेस देन z2 इज लेस देन 2। तो ये n इज इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट ट्रू है। सपोज इट इज ट्रू फॉर सम n इज इक्वल टू k। हम यहाँ पर ये सपोज कर रहे हैं कि ये n इज इक्वल टू k के लिए भी ट्रू। तो अगर ये k के लिए ट्रू है तो यहाँ पर हम n की जगह k रिप्लेस करते हैं कि 1 इज लेस देन इक्वल देन zk इज लेस देन इक्वल देन लेस देन zk+1 और zk+1 इज लेस देन 2। तो हम स्टूडेंट्स इस रिलेशन को 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 इज लेस देन इक्वल देन 2zk, 2zk इज लेस देन 2zk+1, 2zk+1 इज लेस देन 4। तो हम स्टूडेंट फिर स्क्वायर रूट भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई भी किया है और स्क्वायर रूट भी अप्लाई किया, हमने तमाम टर्म पर स्क्वायर रूट अप्लाई किया। तो एक ये इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास, एक ये इक्वेशन आ चुकी है, इसको 1 स्टार कह लें। तो अब इन दोनों इक्वेशन से हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं कि 2 स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन 1 या 1 इज लेस देन 2 स्क्वायर रूट। ये बात भी ट्रू है कि 1 क्या होता है लेस देन 2 स्क्वायर रूट से होता है। 2 स्क्वायर रूट क्या होता है 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू होती है, तो 1 उससे लेस होता है। और 2 स्क्वायर रूट इज लेस देन 2zk+1, ये भी बात ट्रू है कि 2 स्क्वायर रूट इज लेस देन zk+1 से। ठीक है, और zk+1 यहाँ पर किसके इक्वल है इस टर्म के इक्वल है, यानी इससे हम लिख सकते हैं ये ग्रेटर देन इक्वल देन 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अगर आप इस टर्म को देखें तो ये zk+1 के इक्वल है, यानी zk+1 विच इज इक्वल टू 2zk स्क्वायर रूट, और ये स्टूडेंट्स लेस देन होगी zk+2 से। यानी अगर स्टूडेंट्स ये इसकी कोई थर्ड टर्म होगी, फोर्थ टर्म होगी, ये स्टूडेंट्स की कोई सेकंड या कोई फर्स्ट टर्म होगी। ये हम तो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट टर्म यानी सॉरी यहाँ पर लिख रहे हैं y1 इज लेस देन y2, y2 इज लेस देन y3 लेस देन y4। ये क्या होता है इंक्रीजिंग होती है, ये बड़ी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, ये भी। अब ये y1 इससे छोटा है, y2 y3 से छोटा है। हम इस तरह लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये कोई टर्म होगी, ये इस टर्म से हमेशा लेस होगी और यहाँ पर ये टर्म स्टूडेंट्स इस टर्म के इक्वल। और हमने यहाँ पर ये देखा कि ये टर्म लेस देन इक्वल देन 4 है, लेस देन 4 है। तो 4 स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि zk+1 इज ग्रेटर देन इक्वल देन 1, यानी ये वाले टर्म। फिर हम स्टूडेंट्स ये टर्म ले रहे हैं जेड के प्लस टू वाली, जेड के प्लस वन इज लेस देन जेड के प्लस टू से, एंड ये इससे कोई बड़ी वैल्यू है और ये स्टूडेंट्स लेस देन टू, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लेस देन टू आ रही है। तो अब स्टूडेंट्स अगर ये एन इज इक्वल टू वन के लिए ट्रू है तो हमने फिर यहाँ पर ये सपोज किया कि ये किसी के लिए भी ट्रू है और हमने स्टूडेंट ये प्रूफ किया कि ये किसी के प्लस वन के भी ट्रू है। तो बाय यूजिंग हेंस वैलिडिटी ऑफ दिस इनइक्वालिटी इंप्लाइज दैट द वैलिडिटी ऑफ दिस इनइक्वालिटी, यानी यहाँ पर हम स्टूडेंट्स ये प्रूफ कर चुके हैं कि वन इज लेस देन इक्वल देन जेड के प्लस वन, जेड के प्लस वन is less than zk plus 2 और ये less than students 2 है। तो अगर हम ये इस तरह भी लिख सकते हैं, टोटल अगर मिला के लिखें तो ये इसको लिख दें zk is less than equal than zk plus 1, zk plus 1 is less than zk plus 2 और ये student less than 2। तो ये चीज शो कर रही है स्टूडेंट कि अगर ये किसी k के लिए भी ट्रू है तो यहाँ से हमने ये प्रूफ किया ये k प्लस वन के लिए भी ट्रू रिजल्ट है। देयरफॉर बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन ये जो टोटल रिजल्ट है ये तमाम n के लिए भी ट्रू है। हेंस z n इज अ बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड भी है और इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है स्टूडेंट्स, बाउंडेड भी है और इंक्रीजिंग है। बाय यूजिंग मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम इट कन्वर्ज टू लिमिट z, z क्या है सुप्रीमम ऑफ दिस सेट, अगर आप इस सेट का सुप्रीमम फाइंड करते हैं तो वो 2 आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें गिवन है जेड एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन वन इज लेस देन टू, तो ये वन इसका इन्फीमम है, टू इसका सुप्रीमम है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये टू इसका क्या है सुप्रीमम, ये अपर बाउंड है ना, यानी ये अपर बाउंड है, अपर बाउंड में से ये सबसे छोटी वैल्यू है, ये सुप्रीमम है, इससे और बड़ी वैल्यू भी अपर बाउंड हो सकती है, यानी 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5, 6 ये सारे अपर बाउंड है। लेकिन अगर आप अपर बाउंड में से सबसे छोटी वैल्यू देखते हैं तो वो 2 आ रही है, 2 इसका सुप्रीमम, इसका मतलब होगा कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या है, यही 2 है। तो ये स्टूडेंट हमने यहाँ पर प्रूफ करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ मोनोटोन सीक्वेंस, इस मोनोटोन सीक्वेंस की यहाँ पर हम एक एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, वो कौन सी है, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3.35, यही एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मोनोटोन सीक्वेंस की एक एप्लीकेशन। अब इस एप्लीकेशन में स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, किसी भी पॉजिटिव नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहते हैं तो वो किस तरह फाइंड करेंगे, ये हम एप्लीकेशन अब पढ़ रहे हैं मोनोटोन सीक्वेंस की। अब एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ये स्टूडेंट एप्लीकेशन, लेट a इज ग्रेटर देन 0 वी विल कंस्ट्रक्ट अ सीक्वेंस sn ऑफ रियल नंबर्स दैट कन्वर्जेस टू a स्क्वायर, ठीक है। ये स्टूडेंट्स हमें कोई पॉजिटिव नंबर है और ये स्टूडेंट्स का स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स हम एक ऐसी सीक्वेंस एस एन कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि इस ए स्क्वायर रूट को क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो हम स्टूडेंट्स किसी गिवन ए के लिए उसका ये ए स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये एप्लीकेशन किसकी है, मोनोटोन सीक्वेंस की। देखिए ये कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ऐसी सीक्वेंस एस एन जो कि ए स्क्वायर रूट को कन्वर्ज करेगी। यहाँ पर इसका सोल्यूशन देखते हैं, लेट s1 इज ग्रेटर देन 0 इज आर्बिटरी, ये कोई आर्बिटरी हमने लिया है सीक्वेंस का पहला एलिमेंट कह लें या पहली टर्म कह लें, ठीक, ये हमने कोई पहली टर्म ले ली आर्बिटरी, यानी हमने ले ली कोई ग्रेटर देन 0, एंड डिफाइन sn+1, ठीक है, ये हम कोई पहली टर्म ले रहे हैं और बाकी टर्म्स के लिए ये हम कोई जनरल फार्मूला ले रहे हैं, ठीक है, sn+1 which is equal to 1 over 2 into Sn plus A over Sn. ठीक है? We now show that sequence converges to A square root. अब हम स्टूडेंट ये शो करना है कि ये सीक्वेंस ए स्क्वायर रूट को कन्वर्ज करता है। यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स इस सीक्वेंस की कोई पहली टर्म ली है जो कि ग्रेटर देन 0 है, कोई भी टर्म है, और हमने बाकी टर्म्स के लिए ये जनरल फॉर्मूला निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वी नाउ शो दैट सीक्वेंस कन्वर्जेस टू ए स्क्वायर रूट। वी फर्स्ट शो दैट Sn square is greater than equal than A। अगर हम स्टूडेंट्स ये शो कर लेते हैं कि Sn का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल देन A, जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो Sn क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल देन A स्क्वायर रूट। पहले हम ये शो करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको शो करने के लिए हम ये स्टूडेंट्स ले रहे हैं, यहाँ पर इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं Sn+1। अगर आप Sn+1 को ओपन करते हैं तो देखिए सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, यहाँ पर ये 2 है, 2 को अगर आप Sn+1 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा 2Sn+1 विच इज इक्वल टू Sn+A ओवर Sn। फिर आप स्टूडेंट्स क्या करें कि इस Sn को यहाँ से ख़त्म करें, यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करें, तो यह आ जाएगा 2Sn+1 डॉट Sn विच इज इक्वल टू Sn स्क्वायर प्लस A। यहाँ से हम स्टूडेंट्स ये भी लिख सकते हैं कि हाँ, आप इसको इस साइड पर लिखें तो यह आ जाएगा Sn स्क्वायर माइनस 2Sn+1 डॉट Sn प्लस A विच इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कौन सी है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी हम स्टूडेंट पहले ये शो करने लगे हैं कि Sn का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल देन A। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ये प्रूव करने लगे हैं कि Sn ये कन्वर्ज करता है A स्क्वायर रूट को। उससे पहले स्टूडेंट हम ये शो करने लगे हैं कि Sn स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल देन A। तो उसके लिए स्टूडेंट हमने क्या किया है कि Sn+1 को ओपन किया है, तो ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। सिंस Sn सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन जब आपने Sn+1 को सॉल्व किया तो वहां से हमें क्या मिले स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। तो इसका मतलब होगा कि जो भी सीक्वेंस Sn होगी वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, एंड दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स, और इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, बिकॉज यहाँ पर 0 गिवन है ना। अगर हमें स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल मिलता है तो उस इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, रियल रूट्स होते हैं। ये डिस्क्रिमिनेंट है, अगर आप इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो वो आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज इक्वल टू 0। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो उसके रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं। उसके रूट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, रियल होते हैं। ये आप स्टूडेंट प्रीवियस क्लासेज में इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसका अगर आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें तो यहाँ पर ये टोटल वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बी स्क्वायर हमने लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आप बी फाइंड करेंगे, तो जो भी आप यहाँ से ए बी सी फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट्स फिर आप क्या करेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे, तो उसको इक्वल रखेंगे 0 के। तो वहाँ से इसको जब आप मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 4Sn+1 का स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अगर मैं यहाँ से लेता हूँ माइनस 2Sn+1 डॉट Sn को भी लेता हूँ, इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। पहले तो लिखेंगे माइनस 4a की वैल्यू क्या है, Sn स्क्वायर है, और c की वैल्यू a है, इसको रखेंगे 0। इसको स्टूडेंट ओपन करें तो ये आता है ऊपर ये वाली टोटल वैल्यू, ये आती है 4Sn+1 का स्क्वायर s n का square minus 4 s n का square a which is equal to 0. यहाँ से अगर आप s n के square पर divide करेंगे तो सिंपल ये बनेगा 4 s n plus 1 का square minus 4 which is equal to 0. ये discriminant, hence discriminant must be non-negative. ये नॉन नेगेटिव होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके रूट्स रियल आ रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेट रखेंगे आप जीरो के इक्वल रखेंगे. जब आप डिस्क्रिमिनेट रखेंगे इक्वल जीरो के तो वहां से आपको रूट्स कौन से मिलेंगे, यानी रियल रूट्स मिलेंगे. तो रियल रूट्स क्या होंगे स्टूडेंट, नॉन नेगेटिव होंगे. दैट इज, इसका मतलब ये होगा कि एस एन प्लस वन का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल देन ए फॉर एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन वन. ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ये प्रूव करना है कि एस एन का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल देन ए फॉर एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन टू. ये हमने इसके लिए प्रूव करना है. तो यहाँ पर जो हमने ये चीज फाइंड किया है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा और रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे. तो इसके लिए स्टूडेंट यहाँ पर ये आ रहा है कि एस एन प्लस वन का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल देन ए फॉर एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन वन. टू सी दैट Sn is ultimately decreasing, we note that for n is greater than equal than 2 we have. अब ये स्टूडेंट्स क्या है, अल्टीमेटली डिक्रीजिंग है, यानी कि कुछ टर्म्स के बाद फिर ये स्टूडेंट्स क्या होगी, डिक्रीजिंग सीक्वेंस. अल्टीमेटली डिक्रीजिंग क्या होती है कि कुछ टर्म्स के बाद फिर ये क्या हो जाएगी, डिक्रीजिंग सीक्वेंस. देखते हैं नेक्स्ट आगे. तो यहाँ पर अगर आप चेक करें स्टूडेंट्स एस एन माइनस एस एन प्लस वन, देखिए अगर हमने डिक्रीजिंग प्रूव करना है स्टूडेंट्स तो उस में क्या होगा कि एस वन इज ग्रेटर देन एस टू होगा, एस टू इज ग्रेटर देन एस थ्री होगा, इस सूरत में होगा. तो अगर हम स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म्स का यानी एस वन माइनस एस टू का डिफरेंस अगर ग्रेटर देन जीरो हो जाता है तो फिर स्टूडेंट्स ये चीज ट्रू होगी. देखें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम कहते हैं कि 4 इज ग्रेटर देन 2, अगर आप 4 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पर क्या आता है स्टूडेंट, 2 आता है. 2 इज ग्रेटर देन 0. तो यहाँ पर हम ये स्टूडेंट्स प्रूव करने लगे हैं कि अगर ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग है स्टूडेंट्स तो उस सूरत में एस एन माइनस एस एन प्लस वन इन दोनों का डिफरेंस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पर हम एस एन प्लस वन की वैल्यू पुट करने लगे हैं, वो आ रही है 1/2 इंटू एस एन प्लस ए ओवर एस. फिर हम स्टूडेंट्स यहाँ पर एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यह आ जाएगा एस एन स्क्वायर प्लस ए ओवर एस एन. फिर हम स्टूडेंट्स अगेन एलसीएम ले रहे हैं, ये आ जाएगा 2 एस एन, ऊपर आ जाएगा 2 एस एन स्क्वायर माइनस एस एन स्क्वायर माइनस ए. फिर ये यहाँ से स्टूडेंट्स 1 एस एन यानी कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा एस एन स्क्वायर माइनस ए ओवर 2 एस एन. हम इसको लिख सकते हैं 1/2 डॉट एस एन का स्क्वायर माइनस ए ओवर एस एन. और ये स्टूडेंट टोटल टर्म्स क्या होगी, ये ग्रेटर देन 0. ये क्या है, ये पॉजिटिव टर्म. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हेंस एस एन माइनस एस एन प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0. इसका मतलब ये होगा कि एस एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन एस एन प्लस. ये हम लिख सकते हैं कि एस एन प्लस वन इज लेस देन इक्वल देन एस एन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन टू. यहाँ पर ये चीज आ चुकी है कि एस एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन एस एन प्लस वन फॉर एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन टू. ठीक है स्टूडेंट्स, द मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम अप्लाइज दैट कि ये सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, बिकॉज ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स ये भी प्रूव कर लिया कि एस एन प्लस वन का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल देन ए फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल देन वन. तो अगर आप 2 के लिए लेते हैं तो फिर ये बन जाएगा एस एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल देन ए बन जाएगा. तो ये तो हम चीज प्रूव कर चुके हैं. तो यहाँ पर हमने फिर ये डिक्रीजिंग भी प्रूव कर लिया. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ये चीज़ भी प्रूव कर ली, ये चीज़ भी प्रूव कर ली. तो स्टूडेंट्स अब हम कह सकते हैं कि इस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करेगी. और लिमिट स्टूडेंट्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स कौन सा फार्मूला था, Sn+1 का जो भी फार्मूला था यहाँ पर लिख लेते हैं, ये था Sn+a/Sn। तो जो भी इस सीक्वेंस की लिमिट होगी वो इस फार्मूले को सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ से आप s निकाल सकते हैं। तो देखें कि आप ये यहाँ पर इस 2 को मल्टीप्लाई करें s के साथ, ये आ जाएगा 2s विच इज इक्वल टू, यहाँ पर आप एलसीएम लें तो ये आ जाएगा s²+a/s। तो फिर स्टूडेंट्स आप s को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 2s² विच इज इक्वल टू s²+a। यहाँ से आप इसको इस साइड पर लेके जा सकते हैं, ये आ जाएगा 2s² - s² विच इज इक्वल टू a। यहाँ से s² विच इज इक्वल टू a, यहाँ से s क्या आ जाएगा a² रूट आ जाएगा। तो यही लिमिट है। तो यहाँ पर हमने ये लिमिट प्रूव कर ली कि लिमिट ऑफ Sn विच इज इक्वल टू a²। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये प्रूव किया कि Sn² इज ग्रेटर देन इक्वल देन a फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल देन 2। ठीक है, हमने ये भी प्रूफ किया। उसके अलावा हमने इसको डिक्रीजिंग प्रूफ किया है। तो बाय यूजिंग इसको डिक्रीजिंग प्रूफ करने के बाद बाय यूजिंग मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और लिमिट इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगी। यहाँ से हमने इसकी लिमिट निकाली, वो हमारे पास क्या आती है a²। तो यहाँ से स्टूडेंट ये हमारे पास प्रूफ यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशंस it is often important to have an estimate of how rapidly the sequence converges to a²। यहाँ पर आगे हम ये बता रहे हैं कि ये सीक्वेंस Xn ये किस तरह स्टूडेंट्स या किस स्पीड से ये a² को कन्वर्ज कर रही है, यानी कितना जल्दी, रैपिडली। As above we have Sn is greater than equal than a²। यहाँ से हम देख सकते हैं कि a² इज लेस देन इक्वल देन Sn फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल देन 2। ठीक है, तो एंड इट फॉलोज दैट a/Sn इज लेस देन इक्वल देन a²। a² इज लेस देन इक्वल देन Sn। देखिए जो a/Sn है स्टूडेंट्स, ये लेस देन है a² से, और यहाँ से हमने देखा कि a² लेस देन किससे, Sn से। ठीक है, thus we have कि Sn ठीक है माइनस a²। देखिए यहाँ पर हम स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि अगर हाँ a² Sn अगर ग्रेटर देन 0 है, Sn इज अगर ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है, देन 0 is less than equal than Sn minus a², which is less than। देखें कि a² स्टूडेंट्स अगर हम लेते हैं यहाँ पर ये माइनस अगर इसका डिफाइन कर ले तो फिर ये बन जाएगा माइनस a/Sn इज लेस देन। ठीक है, ये ग्रेटर बन जाएगा, ये पहले लेस है, जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा ग्रेटर। हम यहाँ पर ये चीज लिखे हैं यहाँ पर कि Sn माइनस a²। अब हमने a² की वैल्यू बताई है, माइनस a² इज लेस देन इक्वल देन a/Sn। यहाँ पर हमने वही वैल्यू पुट की, जब आपने इस वैल्यू को सॉल्व किया तो यहाँ पर ये वैल्यू आ चुकी, और ये वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है और n इज ग्रेटर देन इक्वल देन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने ये चीज देखी। तो यूजिंग दिस इनइक्वालिटी वी कैन कैलकुलेट a² टू एनी डिजायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। हम कितनी भी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग हम स्टूडेंट जितनी एक्यूरेसी लेना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम इस a² को कैलकुलेट कर सकते हैं इन्हीं रिलेशन से जो कि हमने स्टूडेंट्स ये डिफाइन की थी सीक्वेंस Sn। ठीक है, जो भी हमने Sn डिफाइन की है तो उसको यूज करते हुए हम इस a² को कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें स्टूडेंट्स हम इसे भी डिस्कस करेंगे, इसी एग्जाम्पल को और इसी रिलेशन को यूज़ करते हुए हम ए स्क्वायर को भी निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ये काम किया कि हमने पहले एस एन स्क्वायर को स्टूडेंट्स ग्रेटर दैन इक्वल दैन ए प्रूफ किया और एन इज ग्रेटर दैन इक्वल दैन 2 के लिए, फिर इसको डिक्रीजिंग प्रूफ किया है, फिर इसकी हमने लिमिट फाइंड की और वो क्या आती है ए स्क्वायर रूट। हमने यही प्रूफ करना था स्टूडेंट्स के ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और इसकी लिमिट क्या है ए स्क्वायर। तो ये किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास मेथड है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।